सबसे पहले तो महानवमी और दशहरा की आपको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं सर। सर बताइए, जिस तरह के दमदार संकेत आज मिलते दिख रहे हैं, क्या माना जाए आज हम तगड़ी शुरुआत के लिए तैयार हैं? गुड मॉर्निंग नेहा, बिल्कुल आपको, हमारे सभी दर्शकों को, पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं महानवमी की, और कल दशहरा है तो एडवांस में विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बहुत ही बेहतरीन तेजी, और कहना चाहिए कि अनएक्सपेक्टेड तेजी अमेरिकी बाजारों से आती हुई दिखी है। डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स दोनों तेजी से घटे हैं, उसका फायदा सीधा सीधा दुनिया भर के इक्विटी मार्केट उठा रहे हैं, हम भी उठाएंगे। अच्छी बात यह है एक और कि कल हम दिन के निचले स्तरों पर बंद हुए थे। एक तो वैसे भी अक्टूबर सीरीज की शुरुआत हल्के नोट पर हुई थी, शुक्रवार को जो कुछ भी थोड़ी बहुत तेजी हुई उसकी वजह से तेजी की पोजीशन बनी थी तो वो फिर से कम हो गई। तो सबसे बढ़िया बात नेहा ये कि हल्के बाजार हैं, और हल्के बाजार में जब इस तरह का संकेत मिले, आप देखिए ना, एफआईएस की टेक्स लॉन्ग पोजीशन 13% पर है, इससे ज्यादा कम क्या होगा। सो आई थिंक एक बढ़िया उछाल के साथ आपको बाजार ट्रेड करते हुए दिखेंगे, और मजबूती के साथ ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। पहला टारगेट जो निफ्टी का बनेगा ऊपर की तरफ, वो होगा 17125 17200 की रेंज का। यहां तक तो हम कम से कम पहुंचेंगे, लगभग उसके आसपास खुलने के संकेत भी आ रहे हैं। उसको पार किया तो फिर 17300 325 अगला बड़ा टारगेट है। जहां तक सपोर्ट का सवाल है, 16850 16950 अब बाजार में अब मजबूत सपोर्ट के तौर पर आज आपके लिए रहेगा। बैंक निफ्टी 37950 38050 ये मजबूत सपोर्ट है, और 38625 38800 ये पहला रुकावट का रेंज है। रुकावट क्या, मुझे लगता है यहाँ तक तो आराम से पहुंचेंगे, और उसके बाद देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। सो आई थिंक दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी में मजबूती के साथ कारोबार होने की पूरी संभावना है, और एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन आज रहना चाहिए, और अगर कम गैप के साथ खुले तो खरीदारी के मौके खुलते ही होंगे। जी चलिए, तो मंगलमय रहेगा।